20 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। ठीक है, तो इसमें डिवाइड वाले को टर्म को t ले लो, ये जो डिवाइड में है ना, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हमने t ले लिया, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो करते हैं e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इंटू टू, e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस का 2 आएगा इक्वल टू dt by dx। 2 दोनों में कॉमन मिल जाएगा तो ये आएगा e की पावर 2x, ये माइनस बीच में आ जाएगा dt by dx, तो फाइनली dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये तुम्हारा डिवाइड में आ जाएगा dt अपॉन ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, यही तो आएगा। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x जैसा है वैसे ही रहेगा इनटू dx की वैल्यू आपकी ये है dt अपॉन ट्वाइस ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और डिवाइड में जो टर्म ये है, ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, हमने टी लिया ना, देख लो यहां तक जो भी हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हमने सब्स्टिट्यूट इसको कर दिया है। ठीक है, तो देखो ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसिल, और जो टू है वो बाहर आ जाएगा वन बाई टू, तो बचेगा क्या डी टी अपॉन टी बच गया, बस क्या बचा डी टी अपॉन टी बचा सिर्फ, तो वन बाई टू वन अपॉन टी कंडीशन क्या होता है लॉग मॉड में टी प्लस का सी। अब यहां पे टी सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना टी हमारा ये है ना, तो वन बाई टू लॉग मॉड में ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस का सी, ये आ जाएगा इसका आंसर, देख लो 20 वाले का, 20 का आंसर क्या है 1/2 लॉग दिस, सही है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट